हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं ओरिएंटल कॉलेज आ रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर रेडी हो गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा आज एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज आज हम लोग के ओरिएंटल कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है। जी हाँ, जितने भी ओरिएंटल कॉलेज के छात्र पास आउट हुए हैं तो उन सभी को गाइज आज सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के लिए आज मैं जा रहा हूँ ओरिएंटल कॉलेज। तो गाइज अब देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर हम ओरिएंटल कॉलेज पहुँच गए हैं। तो अभी फिलहाल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा आज का प्रोग्राम होता है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. आपके पास है उसके आप कमांड कर रहे हैं, समझो कि हम आगे जा रहे हैं, हम अपने हमारा जो गोल है उसको अचीव कर रहे हैं। सिलेबस लेस हम अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, समझो कि हम गोल लेस हैं। अचीवमेंट्स हमें पीछे है, जहाँ है वहीं है, कई यहाँ पे होने आ रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें सिलेबस के अनुसार अपने आप अपने कार्यक्रम को अपने It has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. हेलो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो ओरिएंटल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रहमान अली सर को मैं अपना नाम पढ़ता हूँ और सरावजी सर को प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों बहनों को और दोस्तों को मैं प्यार करता हूँ। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी आज ओरिएंटल कॉलेज के सम्मानित समारोह में सम्मिलित हुए हैं, तो आज एक आनंद का माहौल है हमारे इस कॉलेज में, क्योंकि हमारे इस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो हम लोग का सब्जेक्ट है, यहाँ से काफ़ी बच्चे फॉर डिवीजन से पास आउट हुए हैं, उनमें एक मैं भी हूँ, सम्मिलित हूँ। ये पूरा श्रेय मैं किसको देना चाहता हूँ? तीन व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पहला व्यक्ति है यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर रहमान अली सर, दूसरा है सलावली सर और तीसरे हमारे माता पिता, क्योंकि ये तीनों जब साथ रहते हैं तो मतलब कि मोटिवेट भी करते हैं, जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो मोटिवेट करते हैं। उन्हीं की वजह से आज मेरा रिजल्ट बेहतरीन हुआ है। और मुझे जब भी प्रॉब्लम होता था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, जो मतलब कि समझ में नहीं आता था कुछ भी, तो सलाउद्दीन सर और रहमान अली सर हमेशा तैयार रहते थे मेरा मदद करने के लिए। इसके लिए तो तहे दिल से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लीज़ तालियां तो मेरे लिए बजाइए, प्लीज़ सर के लिए भी तालियां बजाते हैं। आवाज नहीं आया, थोड़ा कस के बताइए। तो जैसा कि आज माहौल बना हुआ है खुशी का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आउट यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ पर सब आए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए, हम लोग फिर से दोबारा मिले, बहुत ही खुशी का माहौल है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओरिएंटल कॉलेज में जो ग्रेजुएशन में है, उनको मैं एक बार बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी सर बैठे हुए हैं सारे दिल के अच्छे हैं, और डांटेंगे तो प्यार से डांटेंगे, ये नहीं कि छड़े लिए और हाथ धो दिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आइए आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और रेगुलर कॉलेज आइएगा तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, और सर के साथ पढ़िएगा तो हमेशा आनंद में ही रहिएगा। तो थैंक यू।
सभी आपने शुभम कुमार को सुना। ये शुभम कुमार इस महाविद्यालय के पोलिटिकल साइंस के पार्ट पर थे, अच्छे नंबर से पास किए हैं और यहाँ तक यूट्यूबर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, बहुत सी बातों को ऑनलाइन कॉल के जितने भी नोटिस वगैरह होते हैं उनको भी ये प्रदर्शित करते रहते हैं, छात्रों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका यूट्यूब भी आगे बढ़ता रहे और ब्लॉगर में इनका अच्छा से अच्छा काम हो उनका। लेकिन जो अच्छी बातें वे आप जरूर दुनिया में बताने का प्रयास करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ आज जितनी विशेष छोटी मोटी जो ब्लॉगर सब हो गए हैं वे ऐसी सी बातें सब अलग अलग बातें से भी बता देते हैं जो देखने का मन नहीं करता। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप कुछ अच्छी बातें, मार्गदर्शक देने वाली बातें भी आप बताया करें छात्रों को, जहाँ तक छात्रों से संबंधित बातें बताएं, ठीक है? तो शुक्रिया आपका मिस्टर शुभम कुमार। अब मैं सादिया कौशल को दावा देता हूँ। सादिया कौशल, क्योंकि जब एडमिशन ली तो मेरा लास्ट था सर ने एडमिशन दिया और कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, ऑफलाइन कहीं भी नहीं था, सीपीसी कॉलेज में था। सलाउद्दीन सर ने एडमिशन दिया, उसकी वजह से आज मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाई हूँ। सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. और हम अब चाहेंगे कि सत्य की कार्रवाई शुरू की जाए और मेडल बढ़ाने की कार्रवाई की जाए।
मेरा बेटा रॉयल नंबर 180 साथिया बेगम का बहुत ज्यादा देना है इस महाविद्यालय के लिए, इसे मैं सहदिल से मुबारकबादी चाहूंगा। यह देखिए, ये हमारे रवि जी हमारे मित्र हैं और दोस्त हैं, और फिलहाल यहाँ पर अभी प्रोग्राम जो है वो समाप्त हो गया है और यहाँ पर अभी हमारे क्लासमेट सब आके बैठे हैं फ्रेंड लोग। तो यहाँ पर कार्यक्रम जो समाप्त हुआ तो अभी हम लोग कुछ देर में घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस अभी कॉलेज के नीचे यहाँ पर ग्रुप फोटो होगा, सब लोग यहाँ पर हैं। It has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. तो अभी हम लिंकन कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और पॉलिटिकल साइंस के हेड रबान अलिक सर से बात करेंगे। तो यहाँ पर सर सम्मान समारोह हुआ, तो कुछ आप कहना चाहते हैं? सीखी गई बात तो मैं आपको निर्भर देता हूँ, आप भी उस छात्रों में से हैं। ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी जो है वो पाटलिपुत्र विद्यालय से संबंध कर पाते हैं। हमारा महाविद्यालय नेट एग्रीगेटेड है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो भी छात्र और थर्ड बात की है जिनका सेशन 21 से 24 तक रहा था, बहुत से छात्र जो अच्छे डिवीजन से पास किए हैं, डिवीजन के हैं वो एक से पास किए हैं, अच्छे नंबर है उनका, बहुत अच्छा परसेंटेज भी है उनका। इसलिए वैसे छात्रों को हम लोगों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और उन्हें आगे और प्रेरित करने के लिए आगे अच्छे बढ़ें, इसलिए उन लोगों को हमने इकट्ठा किया और आज उन्हें हम लोगों ने मेडल और सम्मान पत्र देकर के सम्मानित किया है। ये प्रमाण पत्र उन्हें याद दिलाता रहेगा कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट भी अपने छात्रों के भविष्य के ध्यान में रखते हुए और उन्हें उज्ज्वल कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे छात्र सिर्फ अपने महाविद्यालय में नहीं, हमारे पाटलिपुत्र विद्यालय से लेकर अन्य किसी भी विद्यालय में वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएँ तो वे अपना नाम रोशन करें और यह भी दर्शाएँ कि मैं ओरिएंटल कॉलेज का छात्र हूँ। ओरिएंटल कॉलेज के छात्र कभी किसी से कम नहीं होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो या खेलकूद में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में क्रिकेट मामले में हो। तो इसलिए हम अपने छात्रों को उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें हमने सर्टिफिकेट दिया है और उन्हें हमने मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया है। उन सभी छात्रों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे आज कम समय पर मेरे गुलाबी पर वो आए और इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। उनकी उन्हें उज्ज्वल भविष्य की कामना हमेशा करता रहूँगा। तो फाइनली गाइस यहाँ पर सम्मानित समारोह यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ से घर निकलेंगे, यहाँ पर रवि भाई हैं। रवि भाई चलिए चलते हैं अब हम लोग। तो फिलहाल गाइस अभी हम घर पर आ गए हैं और काफ़ी मज़ा आया कॉलेज में और हम लोग को सर्टिफिकेट मिला और मुझे चांस मिला मंच पर थोड़ा सा भाषण देने का, तो वो भी दिए, आप लोग सुने ही हैं। कैसा लगा भाषण आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दीजिए मेरे चैनल को। तो गाइज मिलते हैं गाइज आपसे अगले वीडियो में। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब तक मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।